हेलो एवरीवन, सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम। गाइस, हम डेली 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फिर भी हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव टूल है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। यस, इम्यून सिस्टम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के साथ फाइट करता है जिसकी वजह से हमें वो कोई हार्म नहीं पहुँचा पाते हैं। अभी भी आपके फ़ोन पर भी कम से कम 7000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो डेड हो चाहे लिविंग हो। अब बात आती है कि अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम नहीं होता तो अगर एक छोटी सी चोट भी लगती, एक खरोच भी आती, तो हम जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल था ही नहीं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जाकर फाइट कर सकता है। ओके, सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इम्यून सिस्टम के फंक्शन रोल की स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। 1900 से पहले किसी को ये नहीं पता था कि इन्फेक्शन का कोज है क्या, हमें इन्फेक्शन होता क्यों है, किस वजह से, वो वजह किसी को नहीं पता थी। कुछ पीपल ऐसा सोचते थे कि ये बैड लक की वजह से है, इविल स्पिरिट्स हैं। अब अगर साइंस की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो सबसे पहले लुईस पाश्चर की थ्योरी देखते हैं। लुईस पाश्चर ने ये बोला कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अब जोसेफ लिस्टर ने क्या बोला, अब इन्होंने बोला कि माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट कॉच की अगर बात करते हैं, इन्होंने स्पेसिफिक पैथोजन की बात की कि मेनली इस डिज़ीज़ को कॉज करने वाला ये पैथोजन है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या कि ये फाइट करता है पैथोजन के साथ, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन सब्सटेंस को। फॉरेन सब्सटेंस क्या? पैथोजन। ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और अटैक करता है हमारे पैथोजन पर। टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के पार्ट की। सबसे पहली बात है स्किन। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स सब डिवाइडेड इंटू मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल्स। सबसे पहले जो पैथोजन अटैक करेगा वो हमारे स्किन पर करेगा। वैसे स्किन प्रोटेक्ट करती है कि हमारा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो, लेकिन फिर भी अगर पैथोजन बॉडी के अंदर इनटू द बॉडी, देन वाइट ब्लड सेल्स वर्क। वाइट ब्लड सेल अपना काम करना शुरू करती है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पैथोजन पैथोजन, बार बार पैथोजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो ये पैथोजन है क्या? समथिंग दैट कॉज इलनेस। पैथोजन कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, फंजाई और प्रोटिस्ट। पैथोजन कोई भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, फंजाई, प्रोटिस्ट, इनमें से कोई भी पैथोजन हो सकता है, मीन्स फॉरेन पार्टिकल। एक्सटर्नल डिफेंसेस की अगर बात करें तो आर बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इज टू क्रिएट अ बैरियर। एक बैरियर क्रिएट करती है। उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है? हमारे स्किन, ब्रीथिंग पैसेज, माउथ, स्टोमक। सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्किन की, और स्किन एक्ट एज अ बैरियर टू कीप पैथोजन आउट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहला बैरियर होता है स्किन। और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी 40 मिनट में 1 मिलियन स्किन सेल रिलीज करती है। सो इन दिस प्रोसेस काउंटलेस पैथोजन आर रिमूव्ड। काउंटलेस पैथोजन रिमूव्ड हो रहे हैं ना हमारी बॉडी से। अगर हमारी बॉडी 40 मिनट में 1 मिलियन स्किन सेल्स रिमूव कर रही है, सो आप काउंट कर लीजिए कि कितने स्किन सेल रिमूव होंगे ऑन वन डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीथिंग पैसेज की, ठीक है। आपको पता है हमारी नोज़ में स्मॉल हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारे पैथोजन को ट्रैप करने में। स्मॉल हेयर इन योर नोज एंड ट्रेकिया हेल्प ट्रैप पैथोजन्स। दे कैन कोज यू टू स्नीज और कफ टू ट्राई एंड एक्सप्लेन द पैथोजन्स। नेक्स्ट इज माउथ एंड स्टोमक।
अब माउथ एंड स्टमक के रोल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है और स्टोमक में एसिड, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे पैथोजन को किल करने में। ठीक है, वोमिटिंग कैन ऑल्सो एक्सपेल पैथोजन, वॉमिट होता है दैट कैन ऑल्सो एक्सपेल पैथोजन। अब बैक्टीरिया भी टू कैटेगरी में है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया। फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या है? अब हमारा फ्रेंड कौन होता है? एनिमी तो फ्रेंड होगा नहीं। ठीक है, फ्रेंडली बैक्टीरिया का मतलब है जिन जो फेवरेबल हो हमारी बॉडी के लिए। अनफ्रेंडली बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या मतलब है? फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन, जिसके साथ हमारी बॉडी अटैच नहीं हो पाएगी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया लाइक फंजाए सच एज कैंडिडा एल्बिकेंस एक्सेट्रा, और भी बहुत हैं। अब बात आती है इंटरनल डिफेंसेस की। इफ अ पैथोजन मेक इट पास द एक्सटर्नल डिफेंस, द इंटरनल डिफेंस बिगिन। अब एक पैथोजन ने क्या किया कि एक्सटर्नल डिफेंस क्रॉस कर लिया, अब उसके पास आता है, अब उसको मिलना है इंटरनल डिफेंस से। तो इंटरनल डिफेंस बिगेंस विद इन्फ्लेमेशन, हैपन्स विद कट एंड इंजरीज, फीवर, बॉडी रेजेस आवर टेम्परेचर टू ट्राई एंड टू किल द पैथोजन। ये इंटरनल डिफेंस है। इम्यून रिस्पॉन्स, वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स का मेजर रोल है पैथोजन को किल करने में, तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स दैट ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी सर्चिंग आउट पैथोजन, द थ्री टाइप्स आर मैक्रोफेज, टी सेल्स एंड बी सेल्स। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं और वो सर्च करती हैं कि पैथोजन कहाँ पर है। ठीक है, वो सर्च करती हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन कहाँ है एग्जैक्टली। सबसे पहले मैक्रोफेज के रोल की बात करते हैं, तो मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय पैथोजन बाय एंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग दैम। ठीक है, एंगल्फ कर लेता है वो पैथोजन को, पकड़ लेता है और डाइजेस्ट कर जाता है उसको। याद रखना, सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स में वाइट ब्लड सेल्स में सबसे पहले क्या है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है? हमारे पैथोजन को पकड़ लेता है और डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट अब देखते हैं टी सेल्स का क्या फंक्शन है। हेल्पर टी सेल्स ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी एंड लुकिंग फॉर पैथोजन। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करती हैं और पैथोजन को ढूंढती हैं। किलर टी सेल्स अटैक सर्टेन पैथोजन। अब जो किलर टी सेल्स हैं वो पैथोजन पर अटैक करेंगी। अब बात करते हैं बी सेल्स की। बी सेल्स प्रोड्यूस केमिकल एंटीबॉडी दैट डिस्ट्रॉय पैथोजन। अब यहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। बी सेल्स क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी जो हमारे पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। एंटीबॉडी फाइट डिजीज। ओके, अब इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें। अब पैथोजन एंटर द बॉडी, अब दोबारा से इनके रोल को गो थ्रू कर लेते हैं। मैक्रोफेज क्या करेगा? हमारे पैथोजन को एंगल्फ कर लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे हमारे किलर टी सेल्स को। सबसे पहले टी सेल्स में से कौन सा एक्ट करेगा? हमारा हेल्पर टी सेल्स। वो क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे किलर टी सेल्स को। वो किलर टी सेल्स डिस्ट्रॉय करेंगे पैथोजन। फाइंड्स अ बी सेल टू रिलीज एंटीबॉडी टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। अब बी सेल्स क्या है? एंटीबॉडी रिलीज कर रहे हैं। सो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे सेल का नाम बताइए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, सो वो कौन से सेल्स हैं? बी सेल्स। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या आया? वायरस कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, वायरस कॉन्टैक्ट में आया मैक्रोफेज की। अब जैसे ही एक वायरस एंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो इट में बी डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेज और वायरस दैट गेट थ्रू टू इन्फेक्ट द बॉडी सेल्स। अब सबसे पहले क्या हुआ? मैक्रोफेज ने उसको एंगल्फ कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तुरंत हमारा हेल्पर टी सेल एक्टिव हो गया। अब हेल्पर टी सेल एक्टिव होते ही उसने किलर टी सेल को एक्टिवेट कर दिया। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट किलर टी सेल्स। किलर टी सेल क्या करेगा? किलर टी सेल्स रिकॉग्नाइज द वायरल एंटीजन ऑन द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। अब वायरल एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? हमारा किलर टी सेल्स। ब्लू कलर में है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल ने किसको एक्टिव किया? किलर टी सेल। थोड़ा रेडिश किलर टी सेल जाकर इन्फेक्टेड बॉडी सेल पर अटैच हो गया। किलर टी सेल यहाँ क्या कर रहा है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे वायरल एंटीजन को। ओके,
वायरल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब एक्टिवेट बी सेल, मैंने पहले भी बताया है कि अब बी सेल का काम है, बी सेल क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। अब ये एंटीबॉडी क्या कर रही हैं कि एंटीबॉडी जाके हमारे वायरस एंटीजन के साथ क्या कर रही हैं, बाइंड हो रही हैं, ठीक है, फॉर्मिंग क्लम्प्स बना रही हैं एंड टैग द वायरस फॉर कंस्ट्रक्शंस, क्लम्प बन गया। नेक्स्ट बी सेल रिस्पॉन्स, बी सेल का क्या रिस्पॉन्स है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट बी सेल टू मेक एंड रिलीज एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज द वायरल एंटीजन। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, देखो सबसे पहले कौन रोल करेगा, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के बाद हेल्पर टी सेल एक्टिव होंगी, फिर किलर टी सेल एक्टिव होंगी, फिर बी सेल क्या कर रहा है यहाँ पर, याद रखना बी सेल ही एंटीबॉडी बना रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करनी है, आवर बॉडी हैज़ बिलियन ऑफ टी एंड बी सेल बट इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरी मैनी वेरी मच फॉर ईच पैथोजन। ओके, वंस यू आर एक्सपोज टू अ सर्टेन पैथोजन लाइक चिकन पॉक्स और टी एंड बी सेल प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, वो पैथोजन अगर कोशिश करेगा कि दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करे, तो टी और बी सेल उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगी कि ये पैथोजन पहले भी हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, लाइक चिकन पॉक्स। नेक्स्ट टाइम यू आर एक्सपोज टू दैट पैथोजन द मेमोरी सेल्स, इनको मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, बी और टी सेल को हम मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, ट्रिगर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टी एंड बी सेल्स फॉर दैट पैथोजन। नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, एक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड और वीकेंड पैथोजन दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम किल्ड पैथोजन से बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को दिया जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। द वैक्सीन ट्रिगर द बॉडी टू मेक मेमोरी सेल्स, एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्रिएट अ वैक्सीन, इट वॉज फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। दीज आर द चैलेंजेस टू द इम्यून सिस्टम, अ हेल्दी इम्यून सिस्टम इज वेरी गुड एट कीपिंग अस फ्रॉम बींग सिक, हेल्दी इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा है सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए। हावर वी आर एक्सपोज टू चैलेंज टू आउट इम्यून सिस्टम ऑल दैट टाइम, एलर्जी, कैंसर, इम्यून डिफिशेंसी, ऑटो इम्यून डिजीज लाइक दैट। अब देख लेते हैं एलर्जी क्या है, एलर्जी डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम इज ओवरली सेंसिटिव टू अ फॉरेन सब्सटेंस। एलर्जी क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है फॉरेन सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आते, लाइक पोलन, डस्ट, मोल्ड, फूड, मेडिसिन, एनिमल। कैंसर डिजीज इन दिस सेल मल्टीप्लाई अनकंट्रोल्डली डिस्ट्रॉइंग हेल्दी टिश्यू, अनकंट्रोल्ड डिविजन होता है हमारी सेल का, कैन एग्जिस्ट इन अ ट्यूमर और कैन स्प्रेड इन द ब्लड, ब्लड में भी स्प्रेड हो सकता है। इसके क्या क्या कॉज हैं, जेनेटिक या केमिकल। इम्यून डिफिशेंसी, सम डिजीज कॉज द इम्यून सिस्टम टू बिकम वीक, द मोस्ट कॉमन फॉर ह्यूमन इज HIV विच इज द वायरस दैट कॉज एड्स, इट कॉज द इम्यून सिस्टम टू फेल। कुछ डिजीज ऐसे भी हैं, सम डिजीज कॉज द इम्यून सिस्टम टू बिकम वीक, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है हमारा। इम्यून डिजीज, अ डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम अटैक इट सेल्फ, इम्यून सिस्टम अटैक इट सेल्फ। हाउ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शस डिजीज, डोंट शेयर आइटम्स दैट टच योर माउथ, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, कवर माउथ व्हेन स्नीजिंग और कफिंग, गेट 8 hours ऑफ स्लीप, ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एवरीवन। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।